नमस्कार सभी किसान साथियों का एग्रोन में स्वागत। दुनिया भर में किसानों का आंदोलन अभी चल रहा है, भारत में ही नहीं तो यूरोप के जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, स्पेन, इन सभी जगहों पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम लोग गौर से देखें तो दुनिया भर में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी जो मांगे है वो हमें एक समान दिखाई देती है। उसमें भी पिछले कुछ महीनों से किसानों का आंदोलन और भी तीव्र होते जा रहा है, किसान ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर आ रहे हैं। तो दुनिया भर में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, किसानों की समस्या क्यों है और किसान पिछले कुछ महीनों से या फिर पिछले कुछ वर्षों से खुद को सामाजिक और आर्थिक रूप से असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं और किसानों की जो समस्या है उसकी जड़ क्या है और उस पर सोल्यूशन क्या है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ आज जुड़े हैं कृषि विशेषज्ञ और फूड पॉलिसी एनालिस्ट देवेंद्र शर्मा जी। सर आपका स्वागत है एग्रोन में। सर अभी किसानों की जो मांग है या फिर आंदोलन जो करने वाले वो एमएसपी के डिमांड पे है, तो देश में दो विचारधारा ऐसी है या फिर दो मत ऐसे है कि कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तर भारत के किसानों को ही एमएसपी का खरीद का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है और दूसरे जो राज्य है उनको फायदा मिलता नहीं है, तो इसमें क्या तथ्य है और क्या सही में ऐसे होता है? देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि यह सच्चाई है कि भाई मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या सेंट्रल इंडिया हो और साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत में एमएसपी का लाभ अधिकतर किसानों को नहीं मिलता। और ये भी एक सच्चाई है कि भाई तकरीबन जो मेजॉरिटी प्रोक्योरमेंट होती है देश की वो पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्सों में होती है। तो इसलिए दो तरीके के विचार हैं। एक तो ये है कि भाई सारे देश में तो ये मिलता नहीं है एमएसपी, तो वो किसान क्यों लड़े उसके लिए, और दूसरी बात है कि पंजाब हरियाणा में मिलता है तो वो कहते हैं कि हम बाकी देश के किसानों के लिए क्यों लड़े। अब ये समझना हम सबको जरूरी है कि जैसा कि मुझे याद है कि शरद पवार जी जब पूर्व कृषि मंत्री थे तो उन्होंने एक बार कहा था पार्लियामेंट में कि 79% किसानों को तो ये पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है। ये देश की बात कर रहे हैं। अगर 79% किसानों को पता ही नहीं है और हम ये सोचते हैं कि किसानों को एमएसपी के कानूनी अधिकार बनना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि या तो किसानों को हम पहले एजुकेट कराएं, उनको समझाएं कि आज तक उन्होंने क्या खोया है। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब हरियाणा के किसान सोचते हैं वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं क्योंकि उनका गेहूं और धान जो है सरकार प्रोक्योर करती है, लेकिन जब कानूनी अधिकार की बात आती है तो कहीं किसी ने नहीं कहा कि ये सारे देश में किसानों को नहीं मिलना चाहिए। वो तो यही कह रहे हैं कि हर फसल पे, यानी जो 23 फसलें हैं जिसके ऊपर एमएसपी हर साल अनाउंस होता है, उन फसलों को कानूनी एक अधिकार दिया जाए या उसको कानूनी रंग दिया जाए ताकि वो किसान जो है बाकी प्रदेशों में जाए उनको भी उसका एमएसपी का लाभ मिले। और दूसरा ये है कि भाई पंजाब हरियाणा के किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये बोल रहे हैं कि सारे देश में मिले तो सारे देश में मिले का मतलब ये नहीं है कि पंजाब हरियाणा के किसानों के हाथ से कुछ छीन लिया जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमें स्पष्ट जाननी बहुत जरूरी है, और ये इसलिए भी जाननी जरूरी है क्योंकि मुझे याद है जब एक हाई पावर कमेटी बनी थी शांता कुमार जी के अधीन और वो एफसीआई का रोल देख रही थी, तो उस कमेटी में मैं भी पेश हुआ था। और उस कमेटी में जब मैंने कहा था कि भाई तकरीबन 30% किसान हैं भारत के जिनको एमएसपी का लाभ मिलता है, तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तकरीबन 30% ही हमारे जो उपज होती है उसका प्रोक्योरमेंट होता है भारत में गेहूं और धान का। देखें मैं एवरेज बात कर रहा हूं। तो लेकिन उसमें मुझे अच्छा लगा जब शांता कुमार जी ने पूछा कि इसका बेसिस क्या है, आपने जो कहा 30%, मैंने कहा जी मैंने कोई बेसिस नहीं है, लेकिन मेरा ये अपना मानना है क्योंकि हमारे देश में छोटे किसान हैं, तो छोटे किसान अगर अपना सरप्लस देते हैं तो तकरीबन जितनी टोटल प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन का हिस्सा प्रोक्योर हो रहा है उतना ही रफली किसानों का भी शेयर होगा। तो उन्होंने अपने जो एक्सपर्ट्स थे उनसे कहा कि आप देखिए कि कितना ये जो कितना परसेंटेज जो है किसानों से खरीदा जा रहा है या कितने परसेंट किसानों से प्रोक्योरमेंट हो रही है, तब ये पता चला कि मात्र 6% किसानों से देश में प्रोक्योरमेंट होती है एफसीआई के प्राइसेस के ऊपर, और उसमें से जैसा मैंने आपसे कहा तकरीबन 90% किसान जो है वो पंजाब हरियाणा से उसमें आते हैं। और यही एक कारण है कि बहुत साल ये बात हुई कि अगर 6% किसान को ही उसका एमएसपी का लाभ मिलता है तो इसको क्यों ना डिसमेंटल कर दिया जाए। एक लॉबी तो ये कहती थी और दूसरी लॉबी ये कहती थी कि अगर 96% किसान जो है वो बाजार के ऊपर डिपेंडेंट है तो एक समय आ गया है कि भाई उनको भी उस क्राइसिस से निकालने के लिए एमएसपी के अधीन लाना चाहिए। तो ये अगर
दो तरीके की सोच है, मुझे लगता है कि उसपे कन्वर्जेंस बहुत जरूरी है और किसानों को समझना है कि भाई आज तक उन्होंने क्या खोया है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब प्रोक्योरमेंट हो रही होती है या जब हार्वेस्ट देश में होता है तो उस समय पर जो MSP पे जिन किसानों को फायदा होता है तो वो तो सरकार खरीद लेती है, उनको तो प्राइस मिल जाता है। लेकिन बाकी अगर देश में हम देखें तो किसान जो है वो घाटे की खेती करता आ रहा है और उसको उससे लॉस होता है, डिस्ट्रेस प्राइस पे उसको अपना माल बेचना पड़ता है, यानी कम प्राइस पे उसको अपना माल बेचना पड़ता है। और इसीलिए डिमांड है कि अगर कानूनी अधिकार MSP को दिया जाए तो कम से कम सारे देश के किसान और सारी फसलों पे, 23 फसलों पे MSP अनाउंस होता है लेकिन इफेक्टिवली सिर्फ गेहूं और धान के लिए या कुछ पल्सिस और कॉटन के ऊपर उपयोग होता है उसका, लेकिन डिमांड यह है कि सारे उसमें देश में हर फसल के ऊपर, मैं प्रोक्योरमेंट नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ MSP कह रहा हूं, ये हमें समझना है। तो एक ये भी धारणा है कि साहब सरकार सारा कैसे खरीदेगी और सरकार उस पर कितना खर्चा आएगा, वो भी गलत धारणा है क्योंकि कभी किसी ने कहा ही नहीं कि वो सरकार सारा खरीदे। उसमें तो यह है कि भी उस प्राइस के ऊपर MSP का जो निर्धारित प्राइस है उसके नीचे कोई खरीदनी होगी, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल हो, चाहे वो सरकार की एजेंसियां हो, वो MSP के नीचे नहीं खरीदेंगी, ये जानना हमें है। उसमें ये नहीं है कि सारा सरकार को प्रोक्योरमेंट करनी है। तो ये जो एक डर पैदा किया जाता है कि 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा अगर इसको प्रोक्योरमेंट करना पड़ जाए सारे देश के प्रोड्यूस का, ये बिल्कुल गलत धारणा है और ये जबरन ये एक तरह का इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है कि साहब देश के पास इतना पैसा नहीं है। कुछ स्टडीज अभी हाल में आई भी है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कर्नाटका के एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के चेयरमैन, दोनों के अगर हम अध्ययन देखते हैं तो वो ये कहते हैं तकरीबन 1.5 लाख से लेके 2 लाख का सालाना अतिरिक्त खर्चा आएगा, बोझ आएगा अगर हमें कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी खरीदनी पड़े, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करना पड़ा जहां की प्राइसेस ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। तो ये इसका तात्पर्य है, ये इसका मतलब है, ये किसानों को समझना है। और ये साउथ वर्सेस नॉर्थ की जो ये लड़ाई है, कम से कम जो पॉलिटिकल लड़ाई है, उसको हम कम से कम खेती में लेके ना आए, ये मेरा एक अनुरोध है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही और किसानों के मतलब आके खुलने जैसी बात है कि ये जो मतभेद क्रिएट किए जा रहे हैं एक्चुअल में तो वो दिखाई नहीं देते। सर अभी आपने जो बोला MSP के बारे में, बहुत सारे लोग जो है या फिर हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, एक्सपर्ट जो है, वो ये भी बात रखते हैं कि नहीं भाई हम लोग या फिर दुनिया भर में ओपन मार्केट का एक दौर चल रहा है, हम भी वही मांग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्केट में जो इंटरफेयर ना करे, हस्तक्षेप ना करे और फ्री मार्केट कर दे। और दूसरे और ये जो आंदोलक है या फिर किसान है या फिर किसान नेता है वो मांग कर रहे हैं कि नहीं कंट्रोल मार्केट करे, तो इससे किसानों का ही नुकसान होगा। और वो अपने अपनी बात जैसे आपने बोला कि अभी वो अलग अलग रिपोर्ट्स में दिखाई देता है या फिर कुछ रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किए जाते हैं, सेम वैसे ही इस बात पे भी हो रहा है। तो ये जो हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, देश के मेनलाइन इकोनॉमिस्ट ने काफी नुकसान कर लिया है खेती का, ये हमें समझना जरूरी है। जब ये एक धारणा क्रिएट की जाती है कि भाई किसानों को बाजार के हवाले किया जाए, जो बाजार कीमत देगा, जो बाजार दाम देगा वही उसका एक इफेक्टिव प्राइस है, यानी ये कहना कि साहब जो बाजार है वो डिटरमिन करेगा कि किसान को क्या दाम मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आप उन इकोनॉमिस्ट से पूछिए कि अगर आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो अगर आप पेन खरीदते हैं तो उसके ऊपर दाम लिखा होता है, अगर आप घड़ी खरीदते हैं तो उसके ऊपर दाम लिखा होता है, अगर आप कमीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी दाम लिखा हुआ है, अगर आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं उसके ऊपर दाम लिखा हुआ है, अगर आप कार खरीदते हैं उसके ऊपर दाम लिखा हुआ है। क्या कारण है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, एग्रीकल्चर उत्पादन जो है, उसी के ऊपर दाम नहीं फिक्स होता? कभी पूछिए ना, क्या कारण है कि भाई जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, अगर वो भी बाजार के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मैंने बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात की थी, तो वो उनके ऊपर दाम क्यों लिखा होता है? लेट दी मार्केट डिसाइड। कार के ऊपर क्यों लिखा है कि ये 20 करोड़ की कार है? मार्केट में आने दीजिए ना, फिर उसको किसानों को या आम आदमी जो खरीदता है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो फार्मिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो खरीदेगा तो उसका प्राइस डिटरमिन होना चाहिए। क्या कारण है कि उन चीजों के, पदार्थों के प्राइस तो पहले ही डिटरमिन होते हैं और खेती का प्राइस नहीं होता? तो हमारे इकोनॉमिस्ट ने हमें गलत एक मैसेज दिया है, मुझे लगता है कि उसको ठीक करने का समय अब आ गया है। अगर इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि मार्केट इतनी अच्छी है, मैं चाहूंगा कि सारे इकोनॉमिस्ट की जो सैलरी मिलती है वो मार्केट से लिंक कर दी जाए।
हम जानते हैं कि आज इंप्लॉयज क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें नया पेंशन नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन पे जाना है, क्योंकि नया नया जो पेंशन है वो मार्केट लिंक्ड है, जिससे उनको नुकसान होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाएं। मैं तो चाहूंगा कि इकोनॉमिस्ट की जो तनख्वाह है वो भी मार्केट के साथ जोड़ देनी चाहिए, ताकि अगर वो इतना विश्वास करते हैं मार्केट्स इतनी अच्छी हैं, तो लेट द मार्केट डिसाइड, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम से कम प्रूव तो करें वो देश को, दुनिया को बताएं तो सही कि मार्केट कितनी अच्छी है, पर वहां नहीं वो चाहते, वो अपनी तो सैलरी वो फिक्स चाहते हैं, लेकिन किसानों की जो इनकम है वो बाजार के हवाले करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ना, ये हमने कभी सवाल नहीं किया, इसलिए ये बात को कभी किसी ने उठाया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस फिक्स होते हैं, इसी तरीके से हमें चाहिए कि खेती के प्राइसेस भी फिक्स हों, और वो खेती के प्राइसेस तभी फिक्स हो हैं जब एक एमएसपी का कानूनी अधिकार हम लेके आते हैं। इसलिए मेरी डिमांड ये रही है, या मैं हर जगह ये आर्ग्यू करता रहा हूं कि किसानों को बाजार के हवाले जो छोड़ना था, इतने दशकों से हमने किया है, वो गलत था। और मैंने ये भी देखा है कि दुनिया में अगर हम देखें, अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती कि किसानों को अच्छा दाम मिलता, तो मुझे बताइए कि अमेरिका का किसान इतने क्राइसिस में क्यों है आज? वहीं से तो हम अपना मॉडल कट एंड पेस्ट करके यहाँ इंडिया में हमारे इकोनॉमिस्ट लेके आते हैं। तो अमेरिका का हाल ये है कि सन 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन लड़ने के उसमें स्टेज में थे, तो 425 बिलियन डॉलर का कर्जा किसानों पे खड़ा था वहां पर। उसके दो साल में जब कोविड हुआ, तब उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं तो उनकी इनकम थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 135 बिलियन डॉलर की जो उनको सब्सिडी सपोर्ट मिलती है किसानों को, और वो इसलिए किसान जो है वहां जो बच गए किसान जो है खेती में, अब वो कुछ ना कुछ उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी हमको नजर आती है। अब समझिए इस बात को कि जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और मैं 1970 के दशक की बात कर रहा हूं, तब तकरीबन 15% अमेरिका के खेती में लोग थे, लेकिन आज क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनी कि गेट बिग और गेट आउट, कि आप बड़े हो जाओ किसानों को कहा गया था, या फिर आप बाहर निकल जाओ, तो किसान बाहर निकले। आज ये हालात है अमेरिका में कि अब मात्र 1.5% किसान रह गए हैं अमेरिका में। हमारे यहाँ एक और इकोनॉमिक सोच भी हमें बताती है कि साहब जितने कम किसान हो जाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जितने कम किसान हो उनकी इनकम बढ़ जाए? आज भी प्रति व्यक्ति देखें, अमेरिका में किसान को देखें, तो हर किसान को तकरीबन 80 लाख रुपए की हर साल सपोर्ट मिलती है, डोमेस्टिक सपोर्ट मिलती है। हमारे देश में कहाँ मिलती है ऐसी सपोर्ट कि किसान थोड़ा अपने जीवन का निर्वाह अच्छी तरह कर पाए? हमारे इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं कि मार्केट्स इतनी अच्छी है, तो अमेरिका के किसान मार्केट्स पे क्यों डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, क्यों सरकार से वो मदद ले रहे हैं? और यूरोप में देखें तो वहां भी यही हाल है। अभी जो प्रोटेस्ट जिनकी आप बात कर रहे थे, तकरीबन 16-17 देशों में वहां पर बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए भी हैं, अभी हो भी रहे हैं, वो भी यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनको इंसेंटिव्स नहीं चाहिए, उनको सब्सिडीज नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हमें एक एक पूरा जो हमारे फसल का जो दाम है, अच्छा दाम वो दीजिए, उसकी डिमांड वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर एमएसपी जैसा सिस्टम नहीं है, तो शायद उनको ये मालूम नहीं है कि क्या इसका एक अल्टरनेटिव या एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यूरोप के किसानों को भारत के किसानों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एमएसपी की प्रथा है, और उसको हम अगर हम भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में मेरा मानना है कि एक ही रास्ता है खेती से किसानों को निकालने का, वो है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया जाए भारत में, और दुनिया में एमएसपी का जो एक सिस्टम है उसको हम दोबारा सोचें, देखें, उसको डेवलप करें, और उन देशों के लिए भी एक एमएसपी का कानून बहुत जरूरी है। जी सर, सर अब ये एमएसपी के बारे में आप बता रहे थे, अगर हम लोग एमएसपी निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे गवर्नमेंट का, अगर उसकी बात करें तो गवर्नमेंट तो मतलब किसानों का मतलब फंसा ही रही है वैसे गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये है कि जो एमएसपी का जो एवरेज निकाला जाता है, तो स्टेट टू स्टेट उसका जो प्राइस रहता है एमएसपी का प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें बहुत वेरिएशन रहता है। लेकिन वो जब अगर हम लोग सोयाबीन की बात करें, तो महाराष्ट्र एमपी या फिर अदर स्टेट का जो मेजर प्रोड्यूसर है, तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन अदर जो स्टेट रहते हैं तो उनका कम रहता है, इसलिए जो एवरेज निकल के एमएसपी घोषित की जाती है वो बहुत कम रहती है। तो गवर्नमेंट का जो ये फार्मूला है और उसके ऊपर जो जिस सूत्र के आधार पर एमएसपी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, पहले इसको जानने से, जो आपने सवाल उठाया है एमएसपी को किस तरह से रिफॉर्म किया जाए या उसको रीथिंकिंग की जाए, उससे पहले हमें एक चीज और भी जाननी है। ये जो बाजार की बात हम करते हैं कि बाजार ठीक प्राइस देता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने आपसे कहा था कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता था भारत में जब शांता कुमार कमेटी ने असेस किया था। अब पार्लियामेंट में कहा गया है कि 14% किसानों को एमएसपी मिलता है, यानी 86% किसान जो है वो बाजार के हवाले है। अगर बाजार इतने अच्छे दाम देते तो मुझे आप ये बताइए कि किसान क्या बेवकूफ है कि वो डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमें एमएसपी कानूनी अधिकार बनाइए? क्या हमारे इकोनॉमिस्ट किसान से ज्यादा जानते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कि जो ये एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन इकोनॉमिस्ट और द रियल एग्रीकल्चर सिचुएशन, वो हमने कभी उसको ब्रिज करने की कोशिश नहीं की, उसको हमने कभी देखा ही नहीं कि हमारे इकोनॉमिस्ट किसानों के या खेती के बारे में कितनी और समझ रखते हैं या कितना उनके इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए उनका एक प्रयास है कि किसान जो है वो भी एक तरह का सोसाइटी का एक हिस्सा बने जिस सोसाइटी में आप और हम सब रहते हैं। उसको समझने से पहले मैं दो आपको उसको समझने के लिए मैं आपसे दो तीन आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर मार्केट्स इतनी अच्छी हैं तो हमारे देश में, जैसे मैंने आपसे कहा कि आजकल भी 86% किसान जो हैं वो बाजार के हवाले हैं, मार्केट्स के हवाले हैं, वो अपना प्रोड्यूस मार्केट में लाके बेचते हैं, उनको कोई एमएसपी नहीं मिलता। अगर ये वाकई ही वायबल प्राइस होता तो मुझे बताइए कि ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनका एक अध्ययन कहता है कि सन 2000 से लेकर अभी तक भारत में किसान जो है वो घाटे की खेती करते आए हैं। उन्होंने 54 कंट्रीज का एक अध्ययन किया है कि उनके एग्रीकल्चर में कितनी सपोर्ट मिलती है या कितना वायबल है। उसमें पाया गया कि इंडिया ही एक ऐसा देश है, 54 कंट्रीज को उन्होंने जो आंकलन किया उसमें, जिसमें सरकार जो है किसान का जो घाटा है उसको पूर्ण करने में असफल रही है, और इसीलिए किसान जो है वो लगातार घाटे की खेती करता आ रहा है। दुनिया में जो और दो देश है जिसमें घाटा किसानों को सहना पड़ता है, जो वियतनाम और अर्जेंटीना, वहां पर सरकार अपनी बजट के सपोर्ट से उसको कवर करती है। लेकिन वो अध्ययन कहता है, और ये अध्ययन अक्टूबर महीने का है पिछले साल का, वो ये कहता है कि 2000 से लेकर अभी तक भारत में भी प्रयास किया ही नहीं गया कि उस घाटे को बजट के माध्यम से या बजट की सपोर्ट के माध्यम से उसको पूरा किया जाए। तो ये हमें समझना चाहिए, एक बात। दूसरा, उसी ओईसीडी ने कुछ साल पहले एक स्टडी में कहा था, सन 2000 और 2016 के बीच में, यानी 16 साल में किसानों को, भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कभी आपने इसकी चर्चा सुनी थी? कभी आपने एग्रोवॉन में भी इसकी स्टोरी देखी हो या बाकी मीडिया में कभी देखी हो? कभी आपने स्टेट असेंबली में इसके ऊपर डिस्कशन देखा? कभी आपने पार्लियामेंट में देखा इस पे चर्चा हुई हो? अगर यही लॉस या इसका 5% भी लॉस अगर कॉर्पोरेट को हुआ होता तो सारे देश में हाहाकार मच गया होता कि साहब ये पॉलिसी पैरालिसिस है, किसानों को छोड़ के आप इंडस्ट्री को देखिए, इनकी कितनी हमें सपोर्ट करनी चाहिए, ये सब बातें होनी थी। लेकिन क्योंकि लॉस किसानों को इतना बड़ा सहना पड़ा, कहीं चर्चा नहीं हुई, कहीं चर्चा नहीं हुई। इसका मतलब है कि हमने किसान को भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है, हम उसकी उसकी सपोर्ट में खड़े ही नहीं हो रही हैं। इसके लिए चाहे आप देश के एकेडमिया को ब्लेम करें या इकोनॉमिस्ट को ब्लेम करें, किसी को भी आप ब्लेम करें, पर सच्चाई ये है कि आज तक हमने अनदेखी की है किसानों की। अब देखिए, एक और बात देखिए, जब 2016 में सरकार ने कहा कि हम डबल करेंगे किसानों की आय जो है अगले 5 साल में, तो मुझे एक सवाल पूछा गया था टेलीविजन के ऊपर कि साहब अभी आय है कितनी जो डबल करेंगे? तब मैंने कहा था कि 2016 का इकोनॉमिक सर्वे जो आया था सरकार का, वो 2 दिन पहले बजट के पेश होता है पार्लियामेंट में, आप जानते हैं, उस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि 17 राज्यों में भारत के, यानी 17 राज्य मतलब है कि तकरीबन आधा देश हो गया, उसमें लिखा था उस इकोनॉमिक सर्वे में कि आधे देश में किसानों की जो औसतन आय है वो 20,000 रुपये है साल की। 20,000 रुपए साल की मतलब 1,700 रुपए से कम में किसान परिवार गुजारा कर रहा था। 1,700 रुपए में तो मैं गाय नहीं पाल सकता। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप कुत्ता भी नहीं 1,700 रुपए में पाल सकते। आप कभी सोचते हैं कि भारत के किसान उस 1,700 रुपए के अंदर कैसे गुजारा करते होंगे? ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ये वो किसान नहीं है जो पंजाब हरियाणा में जिनको एमएसपी मिलता था। ये बाकी देशों के, बाकी प्रदेशों की बात मैं कर रहा हूं जहां पर के किसानों को इतना कम दाम मिलता था, ये मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थे।
अब आप समझे, अगर मार्केट इतनी लाभान्वित होती तो किसान क्यों आज अभी इतना शोर मचा रहे होते और डिमांड कर रहे होते, लाठियां भी खाते मौसम के अनुकूल या ना भी अनुकूल हो उनके प्रति, तो उसमें सड़कों पर बैठते, जैसा कि आपने देखा था किसान आंदोलन में हुआ था, जब सर्दी हुई तब भी उन्होंने सहा, उसको गर्मी हुई तब भी सहा। कहने का मतलब किसान क्यों करता, कोई शौक से तो आता नहीं सड़कों पर, वो तभी आते हैं कि जब उनकी इतनी इतनी टाइम से या बहुत लंबे समय से उनकी अनदेखी की गई हो। एक अध्ययन और देखिए, अभी लेटेस्ट जो सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे आया है सरकार का, सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे फॉर एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड, इसका जो लेटेस्ट सर्वे जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो आया है वो 2019 का है और वो 2021 या 22 में पेश हुआ था, लेकिन उस सर्वे में ये कहा गया कि किसान परिवार की जो औसतन आय है पूरे देश में वो 10,218 रुपए है महीने की, 10,218 रुपए में। क्योंकि परिवार की हम बात कर रहे हैं तो कोई खेती कर रहा है, तो कोई मनरेगा का वर्कर है, कहीं दुकान लगाई हुई है, सबके मिला के अगर देखते हैं तो किसान परिवार की जो औसतन आय है पूरे देश में, मैंने आधी आय आपसे, आधे देश की आय पहले बताई थी मैंने आपको 1700 रुपए प्रति माह पे, अब ये कहते हैं कि 10,218 रुपए में। और उसमें भी एक और आंकलन आया उसी का हिस्सा कि प्रतिदिन अगर सिर्फ खेती खेती से अगर हम इनकम देखते हैं, यानी नॉन फार्म एक्टिविटीज को नहीं देखते हैं, इसका मतलब है कि आप कोई किसी ने डेयरी की है वो तो उसका हिस्सा हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने मनरेगा में काम किया है या कहीं स्कूल में टीचर है, वो सब मिला के नहीं, सिर्फ खेती खेती पे, तो 27 रुपए प्रतिदिन आपकी इनकम है किसान की देश में। तो आप समझिए कितना बड़ा क्राइसिस है। और ये बाजार होते हुए है, बाजार तो हमारे देश में था ही, बाजार तो है ही है ना, बाजार पे ही डिपेंडेंट है फार्मर तो। और मैंने आपसे कहा कि अमेरिका में अगर हम देखें तो ये बाजार के इतने दशकों से, बल्कि शताब्दी से भी मैं कहूंगा, होने के बावजूद भी अमेरिका का ये हाल है कि जो गांव में जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो 3.5% नहीं, गुना अधिक है जो नेशनल एवरेज से। तो अमेरिका में भी एक बहुत सीवियर क्राइसिस है, यूरोप में क्राइसिस है, कनाडा में क्राइसिस है, दुनिया के हर अमीर देश में आज ये इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो हम उसी फेल्ड मॉडल को भारत में क्यों लेके आ रहे हैं? इसी समय मैंने आंदोलन के टाइम पर मैंने ये लगातार ये बात कही थी और डेटा भी दिया था, सारी दुनिया में मार्केट्स हैव फेल्ड टू प्रोवाइड फार्मर्स एन इनकम, तो क्यों हम मार्केट्स के ऊपर आ रहे हैं? तो जो आपने कहा कि हमारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं या हमारे मीडिया के एंकर्स ये कहते हैं, मैं तो चाहूंगा कि भाई वो आए खेती करके दिखाएं, अगर इतनी लाभान्वित है तो वो भी करें, आके खेती करें, लेकिन सच्चाई है कि लोग खेती से निकल रहे हैं, खेती में आने वालों का तो नंबर शायद एक मिनिस्क्यूल होगा या बहुत ही कम परसेंटेज होगी। जी सर, अभी अगर हम लोग फिलहाल की बात करें तो बहुत सारी कम्योडिटीज के जो भी अपना जो कृषि उत्पाद है उसके जो प्राइसेस है वो एमएसपी के नीचे ट्रेड होते हैं, उसमें सोयाबीन है, कॉटन है, या फिर कुछ पल्सेस भी है, और दूसरी ओर गवर्नमेंट में भी जो इलेक्शन है, इलेक्शन आगे देखते हुए प्राइसेस गिराते जा रहे हैं, उसमें प्याज भी है, और वेजिटेबल की बात तो कुछ अलग ही रहती है, हर सीजन में अलग अलग ट्रेड रहता है। तो यहाँ पे एक जो सरकार की तरफ से या फिर सरकार के जो सपोर्टर है या फिर कुछ एक्सपर्ट्स भी जो खुद को बुलाते हैं, उनका यह कहना है कि अगर ये 3 कृषि कानून लागू होते हैं तो गवर्नमेंट ये नहीं करती या गवर्नमेंट को चांस नहीं मिलता। अब पंजाब हरियाणा के किसानों ने आंदोलन किया, 3 कृषि कानून गवर्नमेंट को वापस लेने पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट ये सब कर पा रही है, अगर वो कानून होते तो गवर्नमेंट को ऐसे करना संभव नहीं होता। इस पे आप क्या कहेंगे, क्या ये सही बात? देखिए, इसका तो सिंपल जवाब है कि जो 3 कानून थे जिसको सरकार कह रही थी कि भाई ये बहुत सरकार किसानों की मदद में होंगे, किसानों की इनकम बढ़ेगी, किसान के प्राइसेस बढ़ेंगे, आपने सब बातें ये सुनी हैं, उसको रिपीट करने का ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता मतलब नहीं है उस बात का, क्योंकि हम ये बहुत विस्तार से ये बातें कर चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर ये मार्केट्स फेल हो गई हैं यूरोप में तभी तो किसान वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये मार्केट्स अगर इतनी सक्सेसफुल होती तो यूरोप का किसान तो छोड़िए, अमेरिका का किसान क्यों इतना क्राइसिस में होता आज कि उसको आज तकरीबन 80 लाख रुपए की सपोर्ट मिलने के बाद भी जो उनको सालाना मिलती है उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि सुसाइड का रेट जो है वो 3.5 गुना अधिक है गाँव में, क्या कारण है ये हमें जानना जरूरी है। तो हम ये कैसे विश्वास करते हैं जब आप लोग ये बात रिपीट करते हैं सरकार की कि साहब ये, क्योंकि वो अगर कॉर्पोरेट्स आगे होते तो किसानों का भला हो जाता, तो अमेरिका और यूरोप में क्यों नहीं भला हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज भी अगर WTO की जब नेगोशिएशंस होती हैं तो आपको जानना जरूरी है कि तकरीबन $250 बिलियन की सब्सिडी OECD कंट्रीज अपने किसानों को देते हैं।
क्यों देते हैं? अगर बाजार सक्षम होता किसान को दाम देने के लिए या इनकम देने के लिए, तो सरकारें कोई किसी प्रेशर में नहीं है कि किसानों के लिए इतने इतने खुश हैं कि किसानों के प्रति कि वो उनको एक तरह का दाम दे रही हैं या अनुदान दे रही हैं कि आप सब 260 बिलियन डॉलर हमसे ले लीजिए। खुशी खुशी कोई नहीं देता, ये तो उनकी मजबूरी है कि उनको किसानों को इतना दाम देना पड़ रहा है, इतना सॉरी दाम नहीं डोमेस्टिक सपोर्ट देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि उसमें किसानों को दाम नहीं मिल रहा। अब मुझे बताइए कि वो फेल्ड मॉडल जो है अगर आप भारत में लेके आते हैं और फिर हमें एक सब्ज बाग दिखाते हैं कि साहब इसमें किसान की इनकम बढ़ जाएगी, तभी तो मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिस्ट ये करके दिखा दें कि उनकी जो इनकम है वो मार्केट के साथ लिंक कर दीजिए, फिर मैं देखता हूँ कौन से इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि साहब जो किसानों को है वो मार्केट के ऊपर छोड़ना चाहिए। जी सर, सर अभी आपने कहा कि मतलब आपने विस्तृत में चर्चा में बोला ही है, अभी यूरोप के हम लोगों ने बहुत बार जिक्र किया यूरोप का, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ का जो अभी ट्रिगर पॉइंट है वो सब्सिडी कट का है, मतलब सरकार ने डिसाइड किया कि सब्सिडी वो कम करेंगे, तो थोड़ा सा हम किसानों को ये समझना है कि भाई हम लोग अभी तक ये समझते कि साहब लोगों की खेती मंजे मतलब अमेरिका कनाडा या यूरोप ये साहब लोग है उनकी खेती, मतलब उनके जो मशीनरीज है उनके टेक्नोलॉजी देख के हम लोग को ऐसा लगता था कि वहाँ पे सब कुछ चंगा है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से हमें भी दिखाई पड़ रहा है भाई किसान तो वहाँ के भी सेम है, यहाँ पे भी उनकी भी दिक्कत है हमारे भी है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है और अभी ये फार्मर जो आंदोलन कर रहे हैं तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? देखिए ये आप जो बात कर रहे हैं मुझे याद है, जब किसान आंदोलन हुआ था तो मैंने लगातार मीडिया में एक बात कही थी कि भाई जिस रिफॉर्म्स को आप भारत में लेके आ रहे हैं वो दुनिया में फेल हो चुके हैं, और मैं आपसे मुझे उसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे देश के बहुत इकोनॉमिस्ट तो ये जानते ही नहीं थे कि अमेरिका और यूरोप में क्या हाल हो रहा है खेती का, और जब ये बातें चर्चा में आई तो अच्छा लगा कि कम से कम देश के किसानों को समझ आया और वो इस बात को अब जहां भी मैं जाता हूं, जहां आप भी जाते होंगे या आप कहीं नोटिस भी करते हैं, ये रिएक्शन आपको भी आता है कि किसान अक्सर ये कहता है कि साहब आज दुनिया का किसान पीड़ित है, ये अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक समझ की जो जरूरत थी वो किसानों में एक मैसेज गया है। अब ये देखिए कि यूरोप की आपने बात की, यूरोप में जो सब्सिडी कट या रेगुलेशंस की बात हो रही है उसमें दो चीजें हो रही हैं, और मुख्यतः ये क्राइसिस है कि जैसे जर्मनी के किसानों ने प्रोटेस्ट किया, फिर आप जानते हैं फ्रांस के किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया, जर्मनी के किसानों ने अपनी राजधानी बर्लिन को घेर लिया, और इसी तरीके से जो फ्रांस के जो किसान थे उन्होंने पेरिस को ब्लॉक कर दिया और उसके बाद सरकार को रिएक्ट करना पड़ा, तो उनका ये कहना था कि कुछ सब्सिडी मिलती थी जर्मनी के किसानों को, वो सब्सिडी थी कि डीजल्स की सब्सिडी थी किसानों के लिए, जो उनका उनकी जो गाड़ियां चलती हैं या उनकी मशीनरी जो उपयोग में आती है उसके लिए डीजल की सब्सिडी मिलती थी, वो क्योंकि इंटरनेशनल आज इकोनॉमिक सिचुएशन डाउन है तो उसके प्रति उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसको हम कहते हैं, और जैसे हमारे हिंदुस्तान में फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा कहा जाता है, तो उसके तहत उन्होंने वो सब्सिडीज को एकदम बंद कर दिया जो डीजल सब्सिडी मिलती थी, तो इसके तहत किसानों को गुस्सा था, गुस्सा सड़कों पर आया, आपने देखा कि वहां कैसे मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, और अल्टीमेटली फ्रांस के किसानों ने भी यही किया, फ्रांस में कम से कम किसानों को अभी 450 बिलियन डॉलर की सपोर्ट मिल गई है, तो वो किसानों को एकदम उनको रिएक्ट करना पड़ा सरकारों को। यूरोपियन यूनियन में भी पूरे, मैंने आपसे कहा था शुरू में कि 17-18 प्रदेश हैं जहां पर की देश हैं जहां पर की ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और यूरोपियन कमीशन जो है जो बेल्जियम में है उसके आगे भी प्रदर्शन हुए हैं, तो उसमें दूसरी डिमांड किसानों की ये थी कि अब दुनिया में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि किसान जो है वो जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश मशीनरी और इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, बहुत जिसको कहते हैं ना दब के खा तो रज के खा वाले कॉन्सेप्ट जो है वहां ज्यादा चलता है, हम लोग इतना उसमें क्या कहते हैं उसको एनवायरमेंट को डैमेज होता है उससे, पानी प्रदूषित होता है, हवा में कंटेमिनेशन है, ये सब बातें जो हम यहाँ करते हैं वहां भी है, और उसके ऊपर दबाव ये था कि भई ये किसानों को अब खेती से निकाला जाए क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं जो खेती से निकलती हैं आप जानते हैं, वैसे तो खैर हर जगह से निकलती हैं लेकिन 100% अगर हम देखते हैं तो उसमें से 30% जो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो फूड सिस्टम से आती हैं,
तो जिसमें एग्रीकल्चर भी एक हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा है, तो इसलिए उसके ऊपर इंटरनेशनली, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट है एग्रीकल्चर, तो खेती से किसानों को अब निकाला जा रहा है। हॉलैंड में 3,000 किसान निकाल दिए गए, इंग्लैंड में 5,000 किसानों को नोटिस जा चुका है, इसी तरीके से न्यूजीलैंड में गाय के ऊपर टैक्स लग रहा है, और भी देश है जहां पर किसानों को निकालने की बात हो रही है। और ये जो विड्रॉ करते हैं सब्सिडीज, वो भी इसलिए है ताकि किसान जो है वो अनरेम्यूनरेटिव हो जाए, इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाए और वो खेती छोड़ दें। तो ये प्रयास चल रहा है। तो किसानों को दो चीजें नजर आती हैं, एक तो भी उनकी जो इनकम आ रही थी by way of subsidy support, वो withdraw हो रही है, और दूसरा है कि भाई उनको खेती से निकाला जा रहा है। तो अब यूरोप ने क्या किया है, यूरोपियन कमीशन ने जो उनकी कटौती लग रही थी पेस्टिसाइड के कंजम्पशन के ऊपर, अब उन्होंने विड्रॉ कर ली है। और मुझे लगता है कि ये किसानों ने वही किया था जो सरकारें आज तक उनको बोलती आई, या जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स थे या यूनिवर्सिटीज से उनको बताती आई कि इस तरीके से खेती की जाए, तो उन्होंने खेती की वो तरीके से। अब हम किसानों को दोष दे रहे हैं कि साहब आपने ये पर्यावरण को नुकसान कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है ना ये, कि हम जो किसानों को जो दोष दे रहे हैं, एक्चुअली दोष तो हमारा है कि हमने इसको प्रमोट किया था। ये तो बात हुई यूरोप की। अब हमें सोचें कि भारत में, ये नहीं कि आप देखेंगे कि भारत में कोई इंटेंसिव एग्रीकल्चर या जो हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो निकलती हैं खेती से, उसके ऊपर आप ये मत सोचिए कि इस पे भी कभी ये सोच बिल्डअप होगी कि किसान जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब दुनिया में बाकी जगह हो सकता है, तो आप भारत को भी अगली कड़ी में जोड़कर बैठिए, और तब आपको समझ आएगा कि एक तरफ क्या कैसे किसानों को पुश करने की बात हो रही है। लेकिन इससे पहले अगर हम अपना इकोनॉमिक डिजाइन देखते हैं दुनिया का, तो वो तो शुरू से ये कहता आ रहा है कि लोगों को खेती से निकालिए और शहर में लेके आइए, तभी जाके आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो उसका निकालने का मतलब ये नहीं है कि जबरन निकाल रहे हैं, वो आपकी मतलब आपको जो दाम देना चाहिए या आपको जो इनकम देनी चाहिए, उससे आपको वंचित कर रख रहे हैं ताकि आप मजबूरन खेती से निकलिए। और यही हाल हमारे देश में हो रहा है कि हमारे किसान अपनी खेती छोड़ के शहर में आ रहे हैं, क्योंकि जब उनको वहां दाम ही नहीं मिलता या रहने योग्य उनको एक इनकम नहीं मिलती, तो क्या करेंगे, वो खेती को छोड़ देंगे, आके क्या कर रहे हैं, वो मजदूर बन रहे हैं शहरों में। अगर गांव से लोगों को निकालकर शहर में मजदूर बनना है जो कि फ्लाईओवर के नीचे सोता है, तो मुझे लगता है कि ये कोई विकास का मॉडल नहीं है। हमें विकास को दोबारा देखना है, हमें विकास को ये देखना है कि हम खेती को किस तरह से इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाएं, और ताकि देश में जो हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है कि सबका साथ सबका विकास, उसको अगर हमने अचीव करना है, तो वो रास्ता तो खेती से होके जाता है। और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कहते हैं कि खेती से लोगों को निकालना है। कहीं ना कहीं हमारे इसमें जो एक दोहरी सोच है, उसको हमें डिबेट करना है। किसानों को भी ये आर्गुमेंट लेके चलना चाहिए कि हमें खेती से निकाल के देश का विकास नहीं होगा। हमारा विकास तभी होगा कि अगर हम खेती को इकोनॉमिकली वायबल बनाए, प्रॉफिटेबल बनाए, और उसमें किसानों को एक अच्छा प्राइस दें, ताकि लोग शहरों से निकलकर गांव में आ सके। क्यों हम गांव से निकल के शहरों में लाना चाहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का ये कॉन्सेप्ट है, हमारे को और कुछ समझ नहीं आता। हम जो वो करते हैं अमीर देश, वही हम उसको फॉलो करते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि अब हमारे देश के किसान समझते हैं इस बात को, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि अब वो समझते हैं कि अमेरिका का किसान क्यों मर रहा है, यूरोप का किसान क्यों क्राइसिस में है। तो अब उनको ये समझ आना चाहिए कि खेती को हमें खुशहाल बनाना है, और जब खेती खुशहाल हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि लोग जो गांव छोड़कर शहर में गए हैं, वहां रिक्शा चलाते हैं, या वहां घर के बाहर गार्ड खड़े हैं, कंपनियों के बाहर गार्ड खड़े हैं, या लिफ्ट में बटन दबाते हैं कि लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे आए, वो जॉब्स करने के लिए किसानों को मजबूर हम क्यों कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि किसान अपने ही जो भी उसके पास रकबा है या जमीन है, उसी में वायबल होके दिखाए। और ये मत सोचिए कि छोटा रकबा है तो किसान को खेती से निकालना है। मैं जानता हूं कि चाइना में हमसे भी छोटा है खेत का आकार उनके किसान का, लेकिन वो हमसे ज्यादा किसानों को इनकम दे पा रहे हैं। और सब्सिडीज की बात मैं करूं, तो आज चाइना जो है सबसे बड़ा या सबसे बड़े टॉप टू में चाइना आता है, जो कि तकरीबन 216 बिलियन डॉलर की सब्सिडी अपने किसानों को या अपने एग्रीकल्चर को दे रहा है। तो अगर चाइना इतनी सब्सिडी दे सकता है, हम कोशिश करते हैं कि हर जगह उदाहरण दे चाइना का, तो चाइना का ये भी तो उदाहरण हमें भारत में लेके आना चाहिए कि हमें भी अपने किसानों को एक सपोर्ट देने की जरूरत है, जिससे वो भी इकोनॉमिकली वायबल हो जाए। बिल्कुल सर, अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्राइसेस की बात करें, तो जैसे इलेक्शन आता है, अभी हम लोगों ने पिछले कुछ महीने से इसका लगभग साल भर से हम लोग इसका अनुभव कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सभी चीज़ों के, मतलब अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अनाज है, दालें है, या फिर अपना वेजिटेबल्स है, उसमें प्याज है, तो गवर्नमेंट उसके प्राइसेस कम करती जा रही है।
और दूसरी तरफ हम लोग देखे तो गवर्नमेंट को किसानों का डर है ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। उसका कारण है कि गवर्नमेंट जो भी हो, जो भी किसानों के हित के विरुद्ध निर्णय लेती है वो फिर से एक चुनाव में जीतकर आती है। ये भी एक ऐसे एक मत है, ये बात रखी जाती है तो इसके लिए गवर्नमेंट भी किसानों को सीरियस नहीं लेती ऐसी भी बात रखी जाती है। तो इसमें क्या हम लोग या फिर किसान आगे चल के क्या करना चाहिए, किसानों को क्या स्टैंड लेना चाहिए? नहीं, पहली बात तो मीडिया को स्टैंड लेना चाहिए। जब पांच साल होते हैं सरकार के तो मीडिया बात नहीं करता किसानों की। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इलेक्शन से पहले सरकारों को याद आता है कि भाई अब किसानों की वोट की जरूरत है, तो उसमें आप देखते हैं कोई ना कोई अनाउंसमेंट होती है या जो भी सरकारें अपना अटेंशन ड्रॉ करती हैं कि देखिए हम कितना आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन जब पांच साल में सरकार आ जाती है, कोई भी पार्टी हो, मैं एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, कोई पार्टी भी हो, वो उस इलेक्शन से पहले तो बड़े प्रोमिस होते हैं किसानों के लिए, हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, और अगले पांच साल वो सिर्फ कॉर्पोरेट की सेवा करते हैं, और अंत में जाके जब इलेक्शन आ जाते हैं तो फिर वो किसानों की बात करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि किसान बटा हुआ है कास्ट के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर, तो उसकी वोट क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो उनको पता है कि वो उसकी हासिल कर सकते हैं वोट। किसानों की भी गलती है, देखिए ये मानना पड़ेगा कि हम सरकारों को दोष ना दें। क्या कारण है कि किसान, जैसे अभी आंदोलन हो रहा है या पहले किसान आंदोलन हुआ था तब तो इकट्ठे थे, लेकिन अब जब वोट करेंगे तो ये अलग अलग जातों में, कास्ट में, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें अलग अलग जाके वोट करते हैं। तो जब किसान किसानी पे वोट नहीं करता है तो किसान किसान को दोष देने का कोई मतलब है ही नहीं है। अगर किसान किसानी पे वोट करेगा तभी आप देखेंगे कि उसकी जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, और वो एक जो सोच सही लोग जो आएंगे, जो खेती के ऊपर उनका जिनका ध्यान है उनको वो लेके आएंगे, तभी जाके कुछ हो पाएगा ना। तो किसान ये ना सोचे कि भी उनकी गलती कोई नहीं है, उनकी बहुत बड़ी गलती है। और मैं हर बार ये देखता हूँ कि आज तक जब भी खेती की बारी आती है तब तक तो वो खड़े हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आती है तो बंट जाते हैं, और उस बंट जाने का जो खेमा है या उसका जो रिजल्ट है वो उनके सामने है, वो खामियां जो हैं उनको भुगतनी पड़ती हैं बाय वे ऑफ कि पांच साल में अगले में सरकारें कॉर्पोरेट पे जोर देती हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट कॉर्पोरेट पे जोर देते हैं, हमारे टीवी वाले जो और अखबार वाले वो कॉर्पोरेट पे जोर देते हैं। तो अगर यही होना है तो अगर ये सिस्टम चल रहा है ना, तो गलती जो है किसानों को जब तक ये समझ में नहीं आती कि क्या हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका हम सलूशन कभी ढूंढ पाएंगे। और किसानों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल अगर बाकी सब सेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो किसानों को भी अब ऑर्गेनाइज होने का समय आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बैनर के नीचे आए, पर मेरा ये कहना है कि उनको ये समझ आए कि भाई अगर टीचर अपनी डिमांड करते हैं और अपने हक ले जाते हैं, अगर सरकारी मुलाजिम अपनी डिमांड करते हैं अपने हक ले जाते हैं, कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज हों उनको तो छोड़ दीजिए चलिए, लेकिन जो आपके जो प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स हैं उनको अच्छे दाम मिलते हैं। मैंने एक अध्ययन में कहा था कि 1970 में जो गेहूं का दाम था और 2015 में जो गेहूं का दाम था, यानी 45 साल के पीरियड में वो 19 गुना बड़ा था, लेकिन उसी पीरियड में इनकम पैरिटी के नॉर्म्स को अगर आप अप्लाई करें तो उस पीरियड में 45 साल के जो सरकारी मुलाजिम है उनकी तनख्वाह 120 से 150 गुना बढ़ गई थी। प्रोफेसर और लेक्चरर्स जो कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज के हैं, उनकी तनख्वाह 150 से 170 गुना बढ़ गई थी, और स्कूल टीचर्स क्योंकि उनकी तनख्वाह 1970 में बहुत कम थी तो वो बढ़कर 280 से 320 गुना हो गई थी, और किसान की इनकम 19 गुना बढ़ी थी। अगर मैं गेहूं का दाम लेके चलता हूं, 19 गुना जो दाम बढ़े थे किसानों के, अगर उसी अनुपात में मुलाजमों के भी जो सैलरी है बड़ी होती तो आज तक आधे तो आत्महत्या कर चुके होते और आधे नौकरी छोड़ चुके होते। तो ये हमने जानबूझकर, मैंने हर जगह कहा है कि हमने खेती को डेलिबरेटली हमने उस स्टेज में रखा है कि भाई वो किसान जो है जबरन खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो देश में है उसके लिए अगर आप एग्रीकल्चर का उपयोग कर रहे हैं, उसके एग्रीकल्चर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस नीति को, उस पॉलिसीज को बदलने की जरूरत है, और वो तभी बदल जी जा सकती है जब किसान ये समझे कि वो एक यू नो ये समझे कि भाई उसको कैसे जानबूझकर हमने इम्पॉवरिश रखा हुआ है। ये जब तक नहीं समझेगा मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपने हक के लिए खड़ा हो पाएगा। जी सर, सर अभी आपने जो एक उदाहरण दिए कि मतलब प्रोफेसर अपना हक लेके जाते हैं या फिर उनकी डिमांडें पूरी होती है, तो एग्रीकल्चर के जो इंडस्ट्री है उनकी भी डिमांड बहुत बार हम लोगों ने देखा कि उनकी जो डिमांड है वो पूरी होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो पॉलिसीज है उसके ऊपर उनका ही ज्यादा छाप हम लोगों को दिखाई देती है।
सर दूसरा पॉलिसी के लेवल पे आते हैं, अलग अगर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, मतलब कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है अपनी कंट्री में, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, तो उसमें हम लोगों को पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट किसानों को छोड़कर बाकी जो वर्ग है तो उनके हित में ज्यादा फैसले लेते दिखाई देते हैं। उसमें कंज्यूमर तो एक बात है, दूसरी बात इंडस्ट्री भी है, तो इसमें बदलाव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने देखिए, ये किसानों बात को जो हमने साथ। शुरू से हम यही बात कर रहे हैं कि जो पॉलिसी ली जाती हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो अपनी बात को रखते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। हमारा किसान जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो अपनी बात को समझता नहीं है, या उसको समझाया नहीं जाता जो किसान नेता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं तो गैप है ना सब बातों में, तो उसके करते हैं कि उनकी कोई सुध नहीं लेता। तो इसमें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान तो मीडिया का है। मैं तो हर जगह बोलता है, क्योंकि मैं भी मीडिया से निकल कर आता हूँ, मैं जानता हूँ कि मीडिया कभी इन चीजों की बात ही नहीं करता है। वहां भी कौन सा मीडिया अपने शौक से करता है, वो तो कॉर्पोरेट्स कहते हैं तो उनकी बात करता है वो ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि वो एनालिसिस जो है वो तो मीडिया का काम है ना एजुकेट करना, वो नहीं करता है। और यही एक कारण है कि किसान को समझ नहीं आता, वो कहाँ से समझेगा। छोटा किसान, उसको कैसे समझ आएगा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज का क्या मतलब है उसके ऊपर। तो जो बिल्कुल बताया जाता है वो उसके हिसाब से चलता है। मैं चाहता हूं कि भाई किसानों के जो यूनियंस हैं उनके अंदर एक, हमें एक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा हर यूनियन को अपना। क्या कारण है कि जब मैं यूरोप में जाता हूं तो हर कंट्री में जो नेशनल फार्मर्स यूनियन है उसका अपना ही एक थिंक टैंक होता है, जो कि बताता है कि हमारे किसानों के हित में क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। हमारे देश के किसानों के किसी, आप बता दीजिए किस यूनियन के पास कोई ऐसा थिंक टैंक है जो अपना अध्ययन करता हो किसानों के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके? है ही नहीं है। किसान क्यों नहीं इसके नहीं। ऊपर इन्वेस्ट करते? और मैं जानता हूँ हर संगठन के जो नेता हैं वो बड़ी बड़ी एसयूवी कार में चलते हैं, हाँ जी, लेकिन वो भी पैसा जो है किसानों से कंट्रीब्यूशन में आता है अधिकतर जो मैं देखता हूँ। तो क्यों नहीं हम बिल्कुल वो कंट्रीब्यूशन लेके, हम एक थिंक टैंक जो है हर यूनियन को चाहिए उसका अपना एक थिंक टैंक हो, और वो उसके एनालिसिस हो जिसको वो आगे पेश कर सके। तो ये तो जो आप कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, उसमें एक सोल्यूशन तो ये भी है ना। तो कहने का मतलब बिल्कुल अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के तरीके होते हैं। जब इम्प्लॉयज अपना एनालिसिस करते हैं तो वो सरकार के किसी बॉडी के पास तो नहीं जाते, नीति आयोग के पास तो नहीं जाते कि साहब आप बताइए, वो तो खुद अपना एनालिसिस करके सरकार के सामने रखते हैं। इसी तरीके से हम, मुझे बिल्कुल लगता है कि किसानों को भी अपना एनालिसिस करने का एक समय आ गया है, और जो वो सरकार के सामने रखे, ये एक तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज उठाने का। अगर किसान नहीं कर पा रहे हैं तो किसको दोष दोगे? किसानों को ही दोष देंगे ना। अभी देवेंद्र शर्मा सर ने जो भी दुनिया भर के किसानों की जो दिक्कतें, अपने इंडिया में भी जो दिक्कतें किसानों की है, एमएसपी के कानून के लेकर किसानों ने आंदोलन भी छेड़ा है, उसके ऊपर भी शर्मा सर ने हम बहुत आसान शब्दों में किसान खेती की जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस है उसके बारे में बताया। इसलिए मैं शर्मा सर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, आपने हम लोगों को टाइम दिया और बहुत नमस्कार। आसान शब्दों में पूरे दुनिया की खेती हम लोगों को समझाई। धन्यवाद। नमस्कार।